भूमिकामां आगळ वधी रह्यो छे। गांधीनगरमां पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा 10मी वायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 नुं उद्घाटन करवामां आव्युं छे। गांधीनगरना महात्मा मंदिरना कन्वेंशन हॉलमां ग्लोबल सीईओ, बिजनेस प्रतिनिधि मंडळो, राजद्वारीओ, वीआईपी महानुभावो सहित 25,000 થી પણ વધારે ડેલિગેટ્સ ઉપસ્થિત જોવા મળ્યા છે। આ સમિટમાં વિક્રમ સર્જક 34 દેશો કન્ટ્રી પાર્ટનર છે અને 16 સંસ્થાઓ ભાગીદાર તરીકે જોડાઈ છે। ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી કહ્યું છે કે આજે ભારત દુનિયાની 5મી ઇકોનોમી છે અને મારી ગેરંટી છે કે આપણે ટોપ 3 માં આવી જઈશું। પીએમ મોદી સંબોધનમાં એમ પણ જણાવ્યું છે કે તાજેતરમાં ભારતે આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી કરી, હવે ભારત આગામી 25 વર્ષ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે। આઝાદીના 100 વર્ષ પૂરા થાય ત્યાં સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનું અમારું લક્ષ્ય છે। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृत काल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने, भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। मोजम्बिक के प्रेसिडेंट हिज एक्सलेंसी न्यूसी से कल भी मेरी बहुत विस्तार से बात हुई है। उनके लिए तो गुजरात आना पुरानी यादों को ताजा करने जैसा है। प्रेसिडेंट न्यूसी IIM अहमदाबाद के एल्यूमनाई है। कुछ समय पहले ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को 20 वर्ष पूरे हुए हैं। बीते 20 वर्षों में इस समिट ने नए आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है। इसने इन्वेस्टमेंट्स और रिटर्न्स के लिए नए गेटवे बनाए और अब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की इस बार की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। पिछले 10 वर्ष में भारत का कैपेक्स 5 गुना अधिक हो चुका है। फ्रेंड्स, भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अभूतपूर्व गति से काम कर रहा है।
भारत की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई। डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत में लाइफ और बिजनेस दोनों को ट्रांसफॉर्म कर दिया। 10 वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांति आई है। हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभियान, 5G का तेजी से विस्तार आम भारतीयों का जीवन बदल रहा है। आज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आप सभी का वाइब्रेंट गुजरात समिट से जुड़ने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपने मोदी का संकल्प है। समाचारों में आगे बात करें तो राज्य में एक पछी एक गुना खो